जन जन मां देवत्व जगाओ, आ धरती ने स्वर्ग बनाओ। परम पूज्य पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी युग निर्माण योजना नो उद्देश्य जाहिर करियो के मारा प्रत्येक मनुष्य ने देवता अने धरती ने स्वर्ग बनावी। आजनी विषम परिस्थितियों में आ संकल्प पूरो करवा माटे आओ ज्ञानी अखंड ज्योति अवृत धाराओ थी वहती करिए। नमस्कार मित्रों, ऋषि चिंतन चैनल में आपनो हार्दिक स्वागत करवामां आवे छे। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य ना क्रांतिकारी विचारों आपनी समक्ष रजू करूं छूं। जिंदगी में आनंद नो सर्जन करो, उठो, तमारी चारे बाजू नवजीवन ना बीज वावो, पवित्र वातावरण निर्माण करो। जो तमे बीजाओ साथे दगो करशो, जूठू बोलशो, षड्यंत्र रचशो, ठगशो, तो तेनाथी तमारू पोतानू ज पतन थशे। तमे पोताने झलका तुच्छ अने नीच साबित करशो। तमारी बधी शक्तिओ खर्चीने पण बीजानू बहु अनिष्ट करी शको नहीं, परंतु ए अड़कोतोथी तमारो पोतानो सर्वनाश अवश्य करी शको छो। ईमानदारीने वर्गी रहो अने योग्य साधनों द्वारा तमारी उन्नति माटे प्रयत्न करो। तमारी ताकत ने संसार नी सामे प्रकट करो, कारण के बलवानोने सुखी उन्नति जीवन जीवानो अधिकार छे। जो तमे तमारी शक्तिनो कोई पुरावो रजू नहीं करी शको तो दुनिया तमने एक निस्सहाय अनाथ दुर्बल अने अभाग्या मानशे अने तमारा नामनी साथे बिचारानी उपाधि जोड़ी देशे। તેથી જ કહું છું કે સંઘર્ષ કરો જીવતા રહેવા માટે તથા પોતાના અધિકારો પ્રાપ્ત કરવા અને એમનું રક્ષણ કરવા માટે સંઘર્ષ કરો, વિશ્વાસ રાખો। આ આત્મોન્નતિના ધર્મયુદ્ધમાં તમને એ આનંદ મળશે કે જે દુનિયાની બીજી કોઈ વસ્તુથી મળતો નથી। મરેલાની જેમ જીવવા કરતાં એક વીરની થોડીક ક્ષણો માટે જીવવું પણ વધારે સારું છે। અખંડ જ્યોતિ, February 1945, પેજ નંબર 46, ગાયત્રી શક્તિપીઠ જેતપુર, આપનું હાર્દિક સ્વાગત કરે છે ઋષિ ચિંતન ચેનલમાં પધારવા બદલ।